अब क्या हो गया? अपने सर्कल सर के लिए एक लड़की का हाथ मांगने गया था। सब कलेक्टर का घर था तो बच गया, अगर मंत्री का घर होता तो बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई होती। अच्छी तरह समझाओ। अभी क्या समझाऊं, मेरी शक्ल देखकर समझ जाओ। मैं पहले पानी पी लेता हूँ। अरे तुम लोग इसमें पानी क्यों नहीं रखते? कल रात सीआई सर के साथ दारू पीकर 12 बजे सब कलेक्टर का हाथ मांगने के लिए गया था। मैंने सोचा सुबह के 12 बज रहे हैं, चोर समझकर वो सब कलेक्टर की माँ मुझे देखकर चिल्लाने लगी, कौन है, किस लिए आया है, कुछ नहीं सुना। उसका भाई आकर मुझे एक कमरे में ले गया, फिर वहाँ मुझे मारते रहे, मार मार कर मेरी कमर की हड्डी तोड़ दी सालों ने। सुनो, यहाँ के सर की कीमत कल रात में समझ आई मुझे, कोई कीमत नहीं है उनकी, कोई इज्जत नहीं है, कचरा है कचरा, थू थू थू, एकदम कचरा। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ। सुनिए राघव सर, आपको समझना होगा, कोई पागल ही होगा जो ऐसे सपने देखेगा। एक सीआई सब कलेक्टर से सपने में भी शादी कर सकता है क्या? सपना भी औकात से देखना चाहिए, सर्कल इंस्पेक्टर की क्या वैल्यू है, थू, सिर्फ सर्कल, जीरो। राघव इधर चलो। राघव बुला रहे हैं सर। सर आप यहीं पर थे? राघव सर, हमारे मंदिर में जो देवी के जेवर चोरी हुए थे वो चोर मिला क्या? कहाँ मिलेगा सर, ढूंढ कर निकालना पड़ता है। अरे चाको सर, अपने विजय के घर में जो हार चोरी हुआ था वो चोर मिला क्या? क्या सर, सर क्यों इस बेचारे को तंग कर रहे हो, नहीं मिलेगा। राघव हाँ, यहाँ पर पेंडिंग पड़ी सबकी FIR लिख दो। तो चोर मिल गया क्या? हाँ मिला। वो कौन है? तुम। सर्कल की कीमत क्या है मैं बताता हूँ। सर माफ कर दो। राघव हाँ। अगर कोई इसे मारे तो दर्द मुझे सुनाई देना चाहिए, मिलेगी मेरे सर्कल में मिलेगी। तो ये ड्रग्स का मामला है। अच्छा है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मैं बचपन में पढ़ा था इसके चक्कर में। इसका सिर्फ इस्तेमाल करते हो या इसका छोटा मोटा धंधा भी करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? आनंद। आनंद, अगर ये सिर्फ आनंद के लिए किया तो भी इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अरे ये क्या है? भले तुम्हें सीखना पड़ेगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा परिवार पैसे वाला है क्या? एक काम करो, घर पे कॉल कर दो, दो पेटी कैश भर के मुझसे पर्सनली मिलने के लिए कहो। केस नहीं बनाएंगे, यहीं खत्म कर देंगे। बिना पैसे दिए इस केस को कैसे खत्म करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे बाप की इतनी ऊपर तक पहचान है क्या? तेरा बाप है कौन? हैदराबाद का निजाम है क्या? मेरे पिताजी की बात मत करो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ज्यादा मुँह चला तो उल्टा लटका कर मारूंगा। फालतू में मुझे क्यों डराते हो सर? सब कलेक्टर को उल्टा बोलने से सबके सामने माफी मांगी, आप सब भूल गए क्या? थोड़ा बादाम खाइए, भूल जाते हो। मैं उन्हीं सब कलेक्टर लक्ष्मी जी का इकलौता भाई हूँ। क्या? एक बार और बोल। कलेक्टर का भाई हूँ। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है तू? ये सब मैं सपना देख रहा हूँ क्या? ये सब मेरे कान ने क्या सुना? तुमने जिसको पकड़ा है ना, बहुत बड़ी मदद की है। मैंने नहीं सर, राघव ने पकड़ा। राघव नहीं, राघव भाई। राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई, राघव भाई। आपने क्या कहा? राघव भाई कहा। दोबारा बोलिए। राघव भाई। क्या हुआ? पहली बार आपने राघव भाई बुलाया है, मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा सर। बिल्कुल मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। राघव भाई आपने जिसको पकड़ा है ये जानते कौन है? मैंने भी पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा सर। हमारे सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी का इकलौता भाई है ये। हम इसे छोड़ने वाले क्या? क्या कहा? तो इसे छोड़ दें क्या सर? मैं इसको तुरंत छोड़ दूं? ये आपका इकलौता बेटा तो है नहीं। लॉक हिम।
क्या? इसे ले जाकर लॉकअप में डालो। खेल तो अभी माधवन कुट्टी शुरू करेगा। सब कलेक्टर से तो लक्ष्मी। अरे ये यहाँ क्यों आया? बैठी सैतू। सैतू क्या हुआ मामा, क्या हुआ? अरे वो कंबक सीआई आया यहाँ पे, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? किस काम से आए हो? ऑफिशियल काम है? हाँ हाँ, थोड़ा ऑफिशियल और थोड़ा पर्सनल। माँ जी को एक आईएएस बेटी के अलावा एक बेटा भी है ना, उसे कल रात पुलिस ने अरेस्ट किया। क्या बोल रहे हो, क्या किया है उसने? ये सब माँ के सामने कैसे बताऊँ? ठीक है, ये बात सबको मालूम भी होनी चाहिए। वो ड्रग्स का नशा करता है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करता है और छोटा मोटा धंधा करता है। ये आपके बेटे का काम है और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। मिस्टर माधवन कुट्टी, अगर आपकी ये सारी कहानी झूठी निकली तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। अरे वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद आप गलत जगह पे आ गए हो। यही शक्ल है ना आपके बेटे की? इंटरनेशनल मार्केट में 3 लाख का ब्राउन शुगर हाथ में पकड़े हुए ये मेरी कस्टडी में है। ड्रग्स केस में जमानत नहीं मिलेगी, ये बात मैडम अच्छे से जानती हैं। आप मेरे बेटे को तंग मत करना। अरे ये कैसी बात कर रही हैं? मैं उसे तंग क्यों करूंगा? मैं जानता हूँ वो इस घर का बेटा है। अगर मैं चाहूँ तो उसे बचा तो सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब हम क्या करें, कैसे करें, कितने पैसे चाहिए? माधवन कुट्टी को रिश्वत, वो भी सब कलेक्टर के सामने? आप मामा नहीं, गलत बात है। अगर मैं चाहूँ तो इनको अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे रे रे, अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देंगे तो भी मुझे नहीं चाहिए। तो इतनी देर से कहानी क्यों सुना रहे हो? जो चाहिए वो सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? कुछ नहीं, बस एक भाई के लिए एक बहन को त्याग करना पड़ेगा। तो आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मुझे आईएएस से शादी करनी है। कैसी बात कर रहे हो? अगर पुलिस वाले नहीं होती तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। कूल डाउन, कूल डाउन। गरम मामा, एक सब कलेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर के प्रोटोकॉल के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बट दिस इज माई डिमांड। भाई को सेव रखना ना। अच्छी तरह सोचकर फैसला करो। एक बात और, मेरे से बड़े ऑफिसर से मिलकर अपने भाई की जान बचाने की कोशिश की या तुम लोगों ने मिलकर कोई और प्लान बनाया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। टीवी वाले और प्रेस वालों के सामने उसे ले जाकर खड़ा कर दूंगा। एंटी नैरकोटिक्स एक्ट में कम से कम 18 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है उसको। ड्रग्स केस में पकड़ा गया आनंद की बहन को ये आईएएस का पद भी बोझ लगने लगेगा। हाँ मामा, फैसला जो भी हो जल्दी लीजिएगा, फैसला पॉजिटिव होना चाहिए। हमारी शादी होने तक वो मेरी कस्टडी में रहेगा, क्योंकि भाई के मिलने के बाद बहन का फैसला बदल सकता है। तो मैं चलता हूँ, चलता हूँ। सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। वो मुझसे बदला लेगा, पता था, लेकिन वो झूठे केस में इस तरह फंसाएगा, ये मुझे मालूम नहीं।